खबरों में बने रहने के लिए अपना .news को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक होते जा रहा है, वैसे वैसे बेगूसराय की परिस्थितियां बदलते भी जा रही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक प्रत्याशी से बात कराई जो सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे थे। अब हमारे सामने एक गौरव कुमार भी प्रत्याशी हैं जिनका विजन बिल्कुल अलग है। इनका मानना है कि हमें हार या जीत से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब तो ये है कि बेगूसराय की जनता को, देश के तमाम जनता को एक नए विजन की तरफ ले जाना ही हमारी जीत हो। तो मैं बात करता हूँ गौरव कुमार जी से। गौरव कुमार जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं यहीं हाई स्कूल रामदीरी से मैंने 10वीं पास की है, उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की है, और नलसार हैदराबाद से मैंने LLM किया है, और मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, आप तो फुल सेटल थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, एडवोकेट भी हैं, हाईली क्वालिफाइड भी थे, अचानक से ये राजनीति? देखिए, जिस तरह की समस्या मेरे क्षेत्र में है और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति में संवेदनहीनता एक कमी के रूप में मुझे दिखाई देती है। नेताओं का लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, हमारी समस्याओं को वो उस तरह से हल करने में सक्षम नहीं है। इन चीज़ों के कारण मुझे लगा कि नहीं, मुझे राजनीति में आना चाहिए, लोगों की समस्याओं के लिए काम करना चाहिए। एक सवाल है कि अभी जो उम्मीदवार हैं, खास करके तीन चेहरे, बेगूसराय वैसे भी देश भर में हॉट सीट बनी हुई है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, कन्हैया कुमार को भी दुनिया भर का पैसा मिल रहा है, पैसा चाहे जहाँ से भी आ रहा हो, तनवीर हसन उनके पास भी कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों की बात है वहाँ भी, ऐसी परिस्थिति में जहाँ काफ़ी चुनाव लड़ना एक काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ हो जाता है, उसको आप कैसे मतलब झेल पाएंगे? देखिए, मेरी लड़ाई ही इस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट है जो इलेक्शन में एक्सपेंसेस हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अभी जो इलेक्शन में खर्च करने की अपर लिमिट है वो 70 लाख है, और आपको पता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है कि हमारे देश की जो 130 करोड़ की आबादी है उसमें से 99.99% लोग इस खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि देश की इतनी बड़ी आबादी आज के समय में चुनाव चाहे बाय चॉइस चाहे बाय फोर्स लड़ने से वंचित है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि समस्या यही वर्ग फेस कर रहा है, मतलब मध्यम वर्गीय फैमिली को राजनीति में मतलब जगह नहीं मिल पा रही। नहीं, ये जो चुनावी खर्च इतना ज़्यादा है उसके कारण वो कहीं ना कहीं चुनाव में आ ही नहीं पा रहे हैं, जैसे उनको लगता है कि इतना ज़्यादा चुनाव और उनकी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो वो 0.01% लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, समस्या उनके साथ नहीं है, बेसिक समस्या वो फेस नहीं कर रहे, बेसिक समस्या ये लोग फेस कर रहे हैं। तो हमारे राजनीति की यह विडंबना है कि जो ये समाज का इतना बड़ा तबका समस्याओं से ग्रसित है उसकी हमारी राजनीति में, उसकी हमारी विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नगण्य है। तो मेरी लड़ाई इस धनबल की राजनीति के खिलाफ है कि हम चुनावी खर्चे को इस स्तर तक कम करें कि आम जनमानस चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित हो और उसको ये इस बात का एहसास हो कि लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मतदान करने तक सीमित नहीं है। अगर आपके पास अच्छा विजन है, आपके पास अगर अच्छा शिक्षा है और आपके पास अगर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है तो आपको राजनीति में आगे आना चाहिए, और राजनीति में तभी आगे आएंगे जब चुनावी खर्च कम होगा। आप किस पार्टी से खड़े हैं? मैं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव। सिंबल क्या है? हमारा सिंबल बाल्टी छाप है। बाल्टी छाप जी। आपको लगता है कि बेगूसराय में एक सबसे पहले तो एक मुद्दा उठा कि स्थानीय प्रत्याशी जी, फिर लगा कि एक एजुकेटेड प्रत्याशी की भी आवश्यकता है, बेदाग तो प्रत्याशी की आवश्यकता, बेदाग प्रत्याशी की आवश्यकता है। तो आपको लग रहा है कि ऐसे समय में आपका आना तो शुभ संकेत है ही बेगूसराय के लिए, क्या आपको यहाँ की जनता का समर्थन मिलेगा? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बता दूँ समर्थन की बात है, मैं जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूँ लोगों ने मेरा स्वागत किया है, सब ने जाति धर्म पार्टी हर चीज़ से ऊपर उठकर मुझे हर तरह के लोगों का सपोर्ट मिला है। सब ने यही कहा कि आप जो इस विजन को लेकर चल रहे हो, यह विजन हमारे जिले का ही नहीं
भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा देने का काम करेगा, और हम चाहते हैं कि आप जैसे उम्मीदवार आगे आए। और जहाँ तक बात आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तरह का ना मेरे ऊपर कोई आरोप है, मैं युवा हूँ, अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षा मेरी ऐसी है जो कि समाज से उस शिक्षा का सीधा जुड़ाव है। राजनीति विज्ञान हो, कानून हो, ये समाज से जुड़े हुए विषय हैं। मुद्दे क्या है चुनाव के, मुद्दे क्या है? देखिए, पहली मुद्दा तो मैंने आपसे बताया है, सामान्य लोगों की भागीदारी। उसके बाद राजनीति में सामान्य लोगों की भागीदारी, उसके बाद सामान्य परिवार से आने वाले युवाओं की भागीदारी। आप अगर युवा राजनीति के नाम पर देखें तो हमारे पास इसके अलावा क्या? हाँ, इसके अलावा देखिए, अशिक्षा आज भी, मैं जहाँ तक बेगूसराय जिले की बात करूँ तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे लोग यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं तो मैं यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहूँगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें तो आज भी हमारे यहाँ बेगूसराय में अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो यहाँ के लोग 4 घंटे की यात्रा करके पटना जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बेगूसराय स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर हो। बेगूसराय का सदर हॉस्पिटल आपको याद होगा कि उसने अवार्ड भी जीता है इस बार। देखिए, अवार्ड जीतना, मैं आपको बता दूं, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि विकास कागजों पे हो रहा है। आज भी आप यहाँ सर्वेक्षण करके लोगों से बात कर सकते हैं कि मैंने जो बात कही कि अगर एक्सीडेंट करने के बाद पहला नाम पटना ही क्यों आता है। मिडिल क्लास के लोगों की राजनीतिक भागीदारी आपका प्रथम उद्देश्य है, दूसरा शिक्षा, तीसरा युवा बेरोजगारी का बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ के लोग बाहर काम करने कैसे करेंगे दूर आप यहाँ की बेरोजगारी? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, सबसे पहले शिक्षा का जो है कि सुदृढ़ीकरण बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब लोगों के पास शिक्षा होगी वो यहाँ रह के एक वातावरण तैयार कर सकते हैं। बाकी देखिए कि बेगूसराय एक तरह से बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता था। आपको नहीं लगता पिछले साल जो अभी जो इस बार जो मैट्रिक का इंटर का जो रिजल्ट बिहार सरकार ने घोषित किया है उसमें 90% के आसपास लड़के सक्सेस हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स से भी हैं, खाली फर्स्ट डिवीज़न ही आ रहा है। मैम देखिए, तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर नहीं है। और अगर मैं इसके अगेंस्ट में बोलूं तो आपने देखा होगा काफ़ी सर्वेक्षण इस क्षेत्र में हुए हैं और हमारे यहाँ के टॉपर की क्या स्थिति रही है ये दिखाया गया है। आपको तो नहीं लगता कि ये जो रिजल्ट आया है ये चुनाव को देख करके ऐसा बनाया गया हो? सर, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ मार्कशीट पर नंबर आने से कुछ नहीं होगा, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शिक्षा के माध्यम से रोजगार क्रिएट कर सकें, रोजगार परक शिक्षा हो, यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बना सके। सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार आम लोगों की होनी चाहिए, सामान्य जन की सरकार होनी चाहिए। कोई तो एक ही व्यक्ति पद पे बैठेगा सर? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, ये जनता फैसला करे तो ज़्यादा अच्छा है, या हम 23 मई को ही सुने तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो मैं जिन समस्याओं को उठा रहा हूँ उससे वो पूरी ताकत से लड़े। और मैं एक बात आपसे इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश में बड़ा ढोल पीटा जाता है, 56 इंच का सीना बड़ा सुन के मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि समाज को, देश को चलाने के लिए 56 इंच के सीने की नहीं 112 इंच के दिल की ज़रूरत है, एक संवेदनशील राजनीति की ज़रूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो जनता के दुख को अपना दुख समझे, लोगों के साथ जिसका भावनात्मक जुड़ाव हो, ना कि एक काम चलाओ व्यवस्था में किसी तरह जनता का गुस्सा कम रहे, जनता में उबाल ना आए, काम चलाओ व्यवस्था ना चलाए। तो मेरा मानना है एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री देश का बने, मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसा ही व्यक्ति आएगा। मैं सर एक बात और जानना चाहता हूँ कि उम्मीदवार तो चुनाव में लड़ाई लड़ ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की ये लड़ाई होती है निश्चित रूप से, लेकिन नामकरण कर दिया जाता है कि उम्मीदवारों की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है, दल की लड़ाई है, यहाँ की जनता को किस तरह का फैसला लेना चाहिए? देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि इस राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह के भंवर में बेगूसराय की जनता अगर न फंसें तो अच्छा है। हम बेगूसराय के लोगों से अपील करेंगे कि हम स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखें, हम जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं जैसे शिक्षा की कमी हो, स्वास्थ्य की दिक्कतें हो, बेरोजगारी की दिक्कत हो, या क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो भी दिक्कतें हैं, अगर हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ें, हम अपने एक योग्य जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके भविष्य का सही से फैसला कर सके, जो आपके बीच में रह के काम कर सके, ऐसे अगर लोगों को चुने तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि हम राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह के इस भ्रमर में फंसे। जी, धन्यवाद।